और वो स्वामी जी ने भी तो लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन एक बात और बता दूं, कलयुग ये भी है, लोग कह देते हैं कि राम राम करने से उद्धार होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि राम राम करे सोई भूखे न मरे, राम राम करे सोई भूखे न मरे और हाय हाय करे सो खाए के परे। परीक्षित जी अत बुढ़ी सो निर्धनी, आपने देखा होगा जो भगवान के अति भक्त होते हैं उनके पास में धन की एकत्रता होती है, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा हुआ है। किसको? लक्ष्मी को। कैसा श्राप लगा हुआ? तो वैसे विष्णु पुराण में एक लेख मिलता है, अगर विष्णु पुराण न मिले तो एक छोटी सी पुस्तक आती है विश्राम सागर, उसे पढ़े। एक कथा आती है उसमें तुलसी उत्पत्ति की, जो तुलसी थी ये एकचुर नाम के व्यक्ति की पत्नी थी, और बताते हैं कि ये भगवान विष्णु की बहुत बड़ी पुजारी थी। एक बार इसने भगवान विष्णु की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले देवी वरदान मांग लो। तो विश्राम सागर में चौथाई है, जब भगवान ने कहा वरदान मांगो तो बोली है तुलसी कि देख रूप बोली कर जोरे और पति हुई सदा रहो पूरा मोरे। हे प्रभु आप पति के रूप में मेरे आठों पैर पास में रहे। भगवान बोले ऐ मस्त तथास्तु कह दिया। और जब भगवान ने तथास्तु कह दिया तो हुआ क्या, अब लक्ष्मी की जब एक तरीका से मानो सख्त तैयार है गई तुलसी, लेकिन लक्ष्मी को पता नहीं, और नारद जी को जब जब बात पता चली तो उन्हें चैन नहीं पड़ो। नारद जी चले मैया लक्ष्मी से गई, मैया तुम्हें छीन सागर में, और भगवान बोले जा भक्तों के वही भगवान।